और यूपी के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब। चंडीगढ़ का नगर निगम चुनाव इस बार ऐतिहासिक रहा। आम आदमी पार्टी पहली बार निगम चुनाव में उतरी और उसके उम्मीदवारों ने सियासी दिग्गजों को चुनावी मैदान में मात दी। सबसे हैरान करने वाला नतीजा ढाबे वाले दमनप्रीत सिंह का रहा। यह है दमनप्रीत सिंह जो वार्ड नंबर 17 से जीते। हैरानी वाली बात ये कि दमनप्रीत ने बीजेपी के वर्तमान मेयर रविकांत शर्मा को हराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दमनप्रीत एक ढाबा चलाते थे। साढ़े नाल दमनप्रीत जी हैं, ये बीजेपी के मेयर को हराकर आए हैं। दमनप्रीत सिंह सरदार जी द ढाबा नाम से चंडीगढ़ में एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारी उन्हें बिना वजह परेशान करते थे, इस वजह से उन्होंने अपना ढाबा बंद कर दिया और सिस्टम से लड़ने का फैसला किया। दमनप्रीत सिंह कहते हैं कि अगर बीजेपी के मेयर ने वार्ड में काम करवाया होता तो वो चुनाव मैदान में उतरने के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार से लोग तंग आ चुके हैं। अगर विकास कराया होता शायद मैं आज यकीन आता तो वह अज दोबारा जीते रहे होंगे। उन्होंने विकास एक्चुअली नहीं कराया, उन्होंने विकास किया अपने रिश्तेदार, उन्होंने विकास किया अपने नाल दियां दा, उन्होंने सो कोल्ड लीडर जिहड़े उन्होंने नाल दे सी उन्होंने पार्का के ठेके देते, और जिन्हें एम सी के बाथरूम्स है उन्होंने ठेके देते, मतलब एम सी का पैसा कट कट के अपने रिश्तेदार अपने सो कोल्ड लीडर देंदे गए। सो उन्होंने कोई यहोजा काम किया होंगे शायद अज मैं भी इतने ना आता। और जो मैं अपने दुकानदारी आराम ना करता सीगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में इस बार ढाबे वाला टीचर से लेकर हाउसवाइफ ने पुराने नेताओं को पटखनी दे डाली। दमनप्रीत की माने तो नगर निगम चुनाव ट्रेलर है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी पिक्चर दिखाएगी। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार चन्नी वर्सेस चरणजीत होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ डॉक्टर चरणजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट से डॉक्टर चरणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी की पांचवी लिस्ट में कुल 15 प्रत्याशियों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।